हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आप लोग कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, होपफुली आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे। सो अभी मैं जा रहा हूँ इस गाड़ी का काम कराने। ये गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, तो इसको अभी कुनाल है ना मेरा फ्रेंड, उसके यहाँ चार्ज पे दी है, उसकी शॉप है। सो आप देख सकते हो गाड़ी कैसी दिख रही है, कितनी गंदी हो गई है। तो मैं इसमें बैटरी डालूंगा, चार्ज करवा के लाके अभी बैटरी लगाऊंगा, फिर इसको लेके जाएंगे, पेट्रोल डलवाएंगे, साफ़ सफाई करवाएंगे और जैसा भी होगा आप लोग को दिखाऊंगा। सो अभी चलते हैं, लेट्स गो। देखा, मेरी गाड़ी वॉश हो गई थी, अब जा रहे हैं डीजल डलवाने की तरफ। तो उस डीजल डलवाने के जाने से पहले एक बात शेयर करना चाहूँगा, इन्फॉर्मेशन है कि मेरी गाड़ी की जो पुरानी बैटरी में प्रॉब्लम हुई थी, डिस्चार्ज हो गई थी, जो भी था, तो उसने जिस मैकेनिक के पास मैं गया था, मैं नाम नहीं लूँगा, उस मैकेनिक ने क्या बोलते हैं जुगाड़ करके प्रॉब्लम को रिसॉल्व किया था। तो यार बहुत मोटा खर्चा है, तो आप मैं ऐसी जुगाड़ कर देता हूँ, आपके पैसे भी कम लगेंगे और दिक्कत नहीं आती भी है, ये वो। तो मैंने भी कहा हाँ यार ठीक है, कम पैसे में काम हो रहा है तो कौन नहीं करवाना चाहेगा, तो मैंने करवा लिया। लेकिन उसका अभी मुझे भुगतना पड़ा। अभी कुछ टाइम पहले मेरी बैटरी बिल्कुल ख़राब हो गई थी, तो फिर मुझे 6000 की एमरॉन की नई बैटरी डलवाई मैंने, उसका मुझे खर्चा भुगतना पड़ा। तो मैं यही इस वीडियो के ज़रिए आप लोग से कहना चाहूँगा कि 150-200 हज़ार रुपये बचाने के लिए जुगाड़ से काम ना कराएं, किसी भी अनाड़ी मैकेनिक के पास ना जाएं पहली बात, ठीक है? जो जेन्युइन काम करता हो, जो सच में जानता हो कि हाँ गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ उसी के पास जाए। दूसरी चीज़, 1000-2000 बचाने के लिए जुगाड़ ना करवाएं, पैसे लगते हैं, क्योंकि मेरे जैसे परेशान हो गए, जैसे मैं परेशान हुआ वैसे आप परेशान हो गए। सो अब चलते हैं डीजल डलवाने की तरफ। थैंक यू। मैं आप लोग को बताया था मैंने कि मेरी गाड़ी की बैटरी ख़राब हो गई थी, सॉरी डिस्चार्ज हो गई थी, तो मैं उसको चार्ज पे डलवाने गया था अपने फ्रेंड की शॉप पे। मैंने उसको चार्ज पे भी डलवा ली और गाड़ी भी लेके भी आया, बैटरी लगा भी ली और गाड़ी चालू भी कर ली। ये देखो आरपीएम पे, देखो देख रहे हो तो आप लोग, गाड़ी स्टार्ट है। अभी मैं अपनी गाड़ी के अंदर ही बैठा हूँ, एसी बंद करके बैठा हूँ, बहुत तेज़ गर्मी है। और मैं आप लोग को ये वीडियो मैंने इसलिए बनाना ज़रूरी समझा, मैं आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता था इस वीडियो के जरिए कि अगर आपके पास कोई भी कंपनी की गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, कैसी भी गाड़ी है, पुरानी है, नई है, नई गाड़ियों में तो ऐसा जितनी प्रॉब्लम आती नहीं है क्योंकि आजकल सारी गाड़ियाँ हाईटेक हो गई हैं, बहुत कुछ है, बट पुरानी अगर गाड़ी है तो आप लोग इतना चीज़ ध्यान रखिए कि गाड़ी को कभी भी 10-15 दिन मत खड़ा छोड़िए। गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है, गाड़ी पे धूल चढ़ेगी, वो तो अलग है, खैर गाड़ी खड़ी रहेगी तो धूल चढ़ेगी वो स्वाभाविक सी बात है, बट गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है, गाड़ी में कई तरह की प्रॉब्लम आ सकती है जो आज मुझे फेस करनी पड़ी। मेरे को अर्जेंटली कल परसों में कहीं जाना था और गाड़ी खड़ी खड़ी थी, बैटरी डिस्चार्ज हो गई और मुझे पता चला जब मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो मैं मतलब सडन मेरा प्लान पूरा कैंसिल हो गया। सो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर आपके पास कोई भी सामान है तो उसको यूज़ करते रहें। मेरा ये बोलना आपको अभी भाषण जैसा लग रहा होगा, बट ये भाषण नहीं है, मेरा खुद का ओपिनियन है, खुद का एक्सपीरियंस है। मैं आप लोग को जो भी बात बताऊंगा सच्ची बात मानना। देखिए मैं अभी ज़्यादा कुछ नॉलेज है नहीं, मुझे मैकेनिक है उनसे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं जानता गाड़ियों के बारे में, बट सिर्फ मैं इतना जानता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी 10-15 दिन के लिए कहीं खड़ी है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। एज सच मेरी गाड़ी में आई, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग भी अपनी गाड़ियों का ख्याल रखें। सो ये डाला पहला गियर, और हाँ मैं गाड़ी चलाते हुए आप लोग को रिस्पांस भी बता देता हूँ। तो गाड़ी चलने में बहुत सही है, बहुत अच्छी है, कूल है, मतलब एज सच गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक चलने में या फिर किसी भी चीज़ में। देखो गाड़ी का ये आरपीएम, देखो रॉकेट की तरह भागती है, रॉकेट। बट हाँ ये है कि गाड़ी बहुत सफारी की, स्पेशली मैं सफारी के ऊपर एक वीडियो डालूंगा बहुत जल्दी,
उसकी ड्राइविंग के बारे में, उसके एक्सपीरियंस के बारे में, सस्पेंशन, मतलब सारी चीज़ें उसका ओवरव्यू डालूंगा, क्योंकि मैं एक्सयूवी लवर हूँ, बट उसके क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, ये सब मुझे आप लोग के साथ शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है आज की डेट में। सो मैं इस पर भी वीडियो डालूंगा। ऐसा है कि गाड़ी कम्फर्टेबल है, बहुत ऊँची है, इस गाड़ी पर बैठने के बाद लगता है कि आप मतलब ज़मीन से काफ़ी ऊँची गाड़ी पर बैठे हो। सो गाड़ी बहुत अच्छी है चलाने में, नो डाउट, बट गाड़ी में कुछ डिसएडवांटेज भी लगे मुझे सफारी में। मेंटेनेंस बहुत है इस गाड़ी का, अगर किसी भी भाई के पास ये गाड़ी है तो वो बहुत अच्छे से जानता होगा कि इस गाड़ी का मेंटेनेंस बहुत है। और दूसरी चीज़, गाड़ी का मेंटेनेंस तो है ही, और साथ में अगर गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत मोटा खर्चा मांगती है ये गाड़ी, बहुत ही मोटा। सो गाइस प्लीज़, मैं अगर आपके पास सफारी है, अगर आप नहीं चाहते हो कि आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना है, तो गाड़ी को मेंटेन करके रखिए प्रॉपरली। मेंटेन होना गाड़ी बहुत ज़रूरी है। और बाकी तो ऐसा सब चल ही रहा है, बाकी मैं और ज़्यादा इस वीडियो को बढ़ाऊँगा, तो कहीं ये वीडियो ऐसा ना हो जाए कि आप लोग को बोर लगने लगे। सो बस यही थी मेरी छोटी सी वीडियो। मैं बाकी इस गाड़ी पर बहुत जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ, सफारी वीडियो। कहीं भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, कहीं भी आपको ऐसा लगा कि हाँ इसमें हमें कुछ नॉलेज सीखने को मिली, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें गाइस, क्योंकि आप लोग जितना वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही मेरे में मोटिवेशन आएगा, मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए लाऊंगा, और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग को ला के दूंगा। सो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, और बाकी तो सब कुछ चल ही रहा है। हाँ एक चीज़ और, कोविड बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है, तो अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखें, बिना मास्क के बाहर ना निकलें, कोई भी ज़रूरी कार्य हो तो ही घर से निकलें, वरना ना निकलें। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है गाइज, आप लोग मेरी फैमिली हो, इसलिए मैं आपसे ये सारी बातें शेयर कर रहा हूँ।